फिर हम बिटना के असिस्टेंट को देखते हैं जिसका नाम मानदो है और हमें पता चलता है कि इस बॉडी को बालक ने पोजेस्ट किया है। वो और बिटना मिलकर अब तक एक भी क्रिमिनल को मारकर हेल नहीं भेज पाए हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मानदो कहता है क्या एक क्रिमिनल को मारना इतना मुश्किल है। वहाँ पर हम एक लड़की को भी देखते हैं और वो भी बिटना की असिस्टेंट है। तभी वहाँ पर हान आता है और मानदो को देखकर अपने मन में कहता है क्या उसने इसी मोटे आदमी के बारे में कहा था। फिर वो मानदो को बिटना का सारा सामान दे देता है और उसको बताता है कि बिटना ने ही उसको सामान यहाँ पर पहुँचा देने को कहा था। बिटना की असिस्टेंट पूछती है कि जज बिटना कहाँ पर है, तो हान कहता है मुझे नहीं पता, वो कहीं जाने के लिए बहुत जल्दी में थी। फिर हम बिटना को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलने के लिए चर्च आती है। उस लड़की का नाम मिन जियोंग है। वो गॉड के सामने प्रे करते हुए काफी रो रही होती है, तो बिटना कहती है गॉड बहुत निर्दयी है, क्या तुम जानती हो कि गॉड हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पर उनको पूरा नहीं करते। मिन जियोंग पूछती है कि आप कौन है, तो वो कहती है मैं जज कांग बिटना हूँ और मैं ही तुम्हारा केस लेने वाली हूँ। मिन जियोंग कहती है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, क्या आपने किसी को मेरा पीछा करने के लिए रखा है। तो बिटना कहती है ऐसा कुछ नहीं है, एक जज होने के नाते मैं बस इस केस की सच्चाई जानना चाहती हूँ। मिन जियोंग कहती है मैंने ऑलरेडी पुलिस को सब कुछ बता दिया है और नॉन पनिशमेंट लेटर भी सबमिट कर दिया है। तो बिटना कहती है मुझे तुम्हारा नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट करना अजीब लगा, उसने तुम्हें बहुत ज्यादा मारा था और तुम्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, तो तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब मिन जियोंग के बॉयफ्रेंड ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। बिटना कहती है तुम झूठ बोल रही हो कि तुमने उसे माफ कर दिया। तो मिन जियोंग कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। बिटना कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझे सच बताओगी तभी मैं सही फैसला ले पाऊंगी। तो मिन जियोंग कहती है मुझे अब और कुछ नहीं कहना। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। बिटना उसके पीछे आती है और उसको रोक कर कहती है कल पहला ट्रायल है, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारा नॉन पनिशमेंट लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिन जियोंग कहती है मैं भी यही चाहती हूँ, इसीलिए मैंने वो लेटर सबमिट किया है, इसीलिए प्लीज आप मेरा पीछा करना बंद करिए। तो बिटना कहती है देखो मैं एक जज हूँ, सही फैसला करने के लिए मेरा सच जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मुझे सब कुछ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिन जियोंग कहती है आप एक जज होंगी पर आपका ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। मिन जियोंग कहती है ऑफिसर ये लड़की मेरा पीछा कर रही है। ऑफिसर कहते हैं देखिए मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। तो बिटना कहती है दरअसल ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, असल में मैं एक जज हूँ। ऑफिसर कहते हैं क्या आप हमें अपना गवर्नमेंट आईडी दिखा सकती है। बिटना अपनी पॉकेट चेक करती है, तभी उसको याद आता है कि उसने तो अपना सारा सामान हान को दे दिया था। तो बिटना कहती है देखिए मेरे पास अभी वो आईडी तो नहीं है पर आप मेरा पर्सनल आईडी चेक कर सकते हैं। वो अपना पर्स फोन हर चीज चेक करने के लिए ऑफिसर को दे देती है। ऑफिसर बिटना की हेल्थ रिपोर्ट देख लेते हैं जिससे उनको पता चलता है कि बिटना को PTSD और डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। तो ऑफिसर कहते हैं मैम आपको हमारे साथ चलना होगा। फिर हम हान को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, उसको एक लेडी ऑफिसर पीछे से हग करती है। तो हान कहता है आप ये क्या कर रही है। तो मिस किम उसको पीटने लगती है और कहती है क्या एक माँ अपने बेटे को गले भी नहीं लगा सकती, तुम ट्रायल जीत गए पर अगली बार से ज्यादा केयरफुल रहना, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें अपना बेस्ट देना चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल लो। वैसे एक बात बताओ तुम्हारे केस को हैंडल करने वाला जज कौन था। तभी वहाँ पर ऑफिसर आकर मिस किम से कहते हैं मिन जियोंग ने पुलिस को बुलाया था क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था। मिस किम कहती है मून जियोंग जुन तो जेल में है तो फिर ये कौन है। ऑफिसर कहते हैं उसको यहाँ पर लेकर आया गया है पर ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर ऑफिसर बिटना को लेकर आते हैं, उसको देखकर हान काफी हैरान रह जाता है। जब बिटना हान को देखती है तो कहती है नूबोंग पुलिस स्टेशन वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम 2 का लेफ्टिनेंट हान दायोन तुम ही हो ना। ये सब सुनकर हान काफी हैरान रह जाता है कि इसको तो सच में सब कुछ याद है। अगले सीन में हान बिटना की सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहा होता है, तो बिटना कहती है मुझे लगा था कि हम इससे क्लोज हैं, क्या नहीं है। ये सुनकर ऑफिसर्स और हान की मॉम काफी हैरान रह जाते हैं, तो हान उन सबसे कहता है तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। फिर वो बिटना से पूछती है कि वो मिन जियोंग को फॉलो क्यों कर रही थी। बिटना कहती है मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी। हान पूछता है आपको क्या पूछना था। तो बिटना कहती है मैं जानना चाहती थी कि वो क्या सच छुपा रही है और वो क्या फील कर रही है। हान कहता है आपको ये सब जानने की क्या जरूरत है। तो बिटना कहती है मैंने सुना है कि उसके केस की लीड डिटेक्टिव तुम थे, उसके ट्रायल की जज इंचार्ज मैं हूँ। हान कहता है इसका मतलब आपको नॉन पनिशमेंट लेटर पर डाउट है, सही कहा ना। तो बिटना कहती है फेयर ट्रायल के लिए मुझे सच जानना है ना कि झूठ, क्योंकि सच को बाहर लाना और बुरे लोगों को सजा देना यही जज का काम है। ये सब सुनकर हान काफी इंप्रेस्ड होता है। फिर जब बिटना पुलिस स्टेशन से जा रही होती है तो हान कहता है मैंने ये किसी को नहीं देखने दिया और बिटना को उसका मेडिकल रिपोर्ट देता है। बिटना कहती है मुझे ऐसे मत देखो, किसी पागल डॉक्टर ने मेरा मिसडायग्नोज किया था। तो हान कहता है पर मैंने देखा था कि ये तो कोरिया के मोस्ट फेमस हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। बिटना कहती है तो डिटेक्टिव इस रिपोर्ट को देखकर तुम्हें क्या लगता है। तो हान कहता है मैंने आपको कुछ बच्चों से ये कहते हुए देखा था कि आप एक डीमन है। बिटना कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे इलाज की जरूरत है। तो हान कहता है मुझे नहीं पता कि डीमंस एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, अगर वो होते तो दुनिया ऐसी हालत में ना होती। बिटना कहती है तुम गलत हो, इसमें भगवान या फिर शैतान की कोई गलती नहीं है, बल्कि खुद इंसानों ने ही इस दुनिया
दुनिया को ऐसा बना रखा है। तो हान कहता है, मुझे लगता है कि आपने सही कहा। बिटना कहती है, तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि मुझे इलाज की जरूरत है? तो हान कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीमन है या फिर नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप एक काबिल जज हैं। बिटना स्माइल करती है और कहती है, क्या तुम्हें सीधा जवाब देना नहीं आता? चलो छोड़ो इसे, अब मैं चलती हूँ। तो हान कहता है, कल के ट्रायल में प्लीज आप सही फैसला करिएगा। उसके बाद हमें अगले दिन ट्रायल का सीन दिखाया जाता है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, डिफेंडेंट जियांग जुन ने अपनी गर्लफ्रेंड को अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में 3 बार बहुत बुरी तरह पीटा था। जब विक्टिम ने ब्रेकअप करना चाहा था तो जियांग जुन ने उसको बहुत बुरी तरह मारा था और उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिटना कहती है, डिफेंडेंट क्या तुम ये सारे चार्जेस कबूल करते हो? जियांग जुन का लॉयर कहता है, हम मारपीट का चार्जेस कबूल करते हैं, पर डिफेंडेंट ने धमकी नहीं दी थी और विक्टिम ने जो नॉन पनिशमेंट लेटर सबमिट किया है उससे ये बात साफ हो जाती है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, विक्टिम ने झूठ कहा है क्योंकि वो बहुत डरी हुई है। तो लॉयर कहते हैं, ये बस प्रोसिक्यूशन का एक तरफा दावा है। बिटना कहती है, ठीक है चलो अब एविडेंस की बात करते हैं। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, हमने कुछ फोटोज सबमिट किए हैं जो कि विक्टिम के असॉल्ट के तुरंत बाद एविडेंस के तौर पर लिया गया था। फिर सभी लोग फोटोज देखते हैं जिससे साफ पता चल रहा होता है कि मिनजियोंग को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत बुरी तरह मारा था। इन फोटोज को देखकर जियांग जुन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। बिटना उससे पूछती है कि तुमने उसको क्यों पीटा था? जियांग जुन कहता है, हम बस लड़ रहे थे, मैंने उससे माफी भी मांगी थी पर वो बार बार कह रही थी कि उसको ब्रेकअप करना है। इससे मुझे गुस्सा आ गया था और जब मैं होश में आया तो मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। बिटना कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अपने गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं है? जियांग जुन कहता है, मैं ये कबूल करता हूँ कि मैंने उसको मारा था पर मैंने उसको कभी भी धमकाया नहीं था। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, जब उसने कहा था कि चलो ब्रेकअप करते हैं तो तुमने कहा था कि चलो हम साथ में मर जाते हैं, क्या ये धमकी नहीं है? जियांग जुन कहता है, सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरे मन में ख्याल आने लगा था कि ब्रेकअप करने से ज्यादा अच्छा मर जाना बेहतर होगा क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसको धमका नहीं रहा था, बस उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। जियांग जुन काफी रोने लगता है तो बिटना उसको चुप हो जाने के लिए कहती है पर वो चुप नहीं होता है। तो बिटना चिल्लाकर कहती है, कहा ना चुप हो जाओ, तो जियांग जुन रोना बंद कर देता है। उसका लॉयर कहता है, योर ऑनर, डिफेंडेंट बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा हुआ है, इसीलिए उसको नहीं पता है कि हेल्दी वे में प्यार कैसे करते हैं, पर विक्टिम के लिए उसका प्यार सच्चा है। बिटना कहती है, तुम चाहते हो कि मिनजियोंग मर जाए, सही कहा ना? तो जियांग जुन कहता है, ऐसा नहीं है, अगर ये मिनजियोंग के लिए बहुत मुश्किल है तो मैं अब से उसके आसपास भी कभी नहीं जाऊंगा। उसके बाद प्रोसिक्यूटर कहते हैं, डिफेंडेंट ने जो किया है उसके लिए प्रोसिक्यूशन उसको 1 साल की सजा देनी चाहिए रिकमेंड करता है। बिटना जियांग जुन को उसका फाइनल स्टेटमेंट देने को कहती है तो जियांग जुन कहता है, मैं जानता हूँ कि अब मैं उससे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सारी बातें सुनने के बाद बिटना कहती है, तो आज का ट्रायल यहीं पर खत्म होती है, अब हम अगले ट्रायल में मिलेंगे जब डिफेंडेंट को सजा सुनाई जाएगी। फिर जब जियांग जुन को डिटेंशन सेंटर लेकर जा रहे होते हैं तो वहीं पर मिनजियोंग के मॉम डैड खड़े होते हैं। जियांग जुन उनके पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मिनजियोंग की मॉम कहती है, पर हमें कुछ नहीं सुनना। जियांग जुन अपना सिर झुकाकर उनसे माफी मांगता है पर उसने जो किया था उसको उसका जरा भी पछतावा नहीं होता है। वो स्माइल करते हुए कहता है, मिनजियोंग ठीक तो है ना? उसको स्माइल करते देखकर मिनजियोंग के मॉम डैड और हान काफी हैरान रह जाते हैं। फिर हम बिटना को उसके ऑफिस में देखते हैं। मांदो से पूछता है कि वो जियांग जुन को क्या पनिशमेंट देगी। बिटना कहती है, 1 साल ये बकवास करने के लिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है इसीलिए उसने उसको बहुत बुरी तरह मारा और 1 साल कोर्ट में रोने और बकवास एक्टिंग करने के लिए, तो टोटल 2 साल की सजा। तो मांदो कहता है, क्या आप ये कर सकती हैं क्योंकि प्रोसिक्यूटर ने तो सिर्फ 1 साल की सजा रिक्वेस्ट की थी। बिटना कहती है, जज मैं हूँ तो मैं डिसाइड करूंगी कि कितने साल सजा होगी। तो मांदो कहता है, लगता है इस केस से भी हमारा कोई फायदा नहीं होगा। बिटना फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, तुमने सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 साल में अपना मिशन कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगी। मांदो कहता है, ट्रायल के थ्रू ही इंसानों को मारना सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। तो बिटना कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी और तरीके के बारे में सोचा नहीं होगा? क्या तुम जानते नहीं कि मिशन कंप्लीट करने के लिए ट्रायल ही सबसे बेस्ट तरीका है? मांदो कहता है, देखिए हमें पहले ट्रायल के थ्रू ऐसे अपराधी को ढूंढना चाहिए जो कि हेल जाना डिजर्व करता है, फिर आप उसको कम से कम सजा दीजिएगा ताकि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाए, फिर हम उसको मार कर हेल भेज देंगे। तो बिटना कहती है, अपनी यह बकवास प्लान अपने पास ही रखो। मांदो कहता है, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना हम एक सीरियल किलर को ढूंढे? अगर हम ऐसे इंसान को हेल भेजे जिसने 5 लोगों को मारा हो, अब क्योंकि उसने 5 क्रिमिनल जितना क्राइम किया है तो ये 5 काउंट होगा। तो अगर हम ऐसे सीरियल किलर को ढूंढे जिसने 10 लोगों को मारा हो तो आपका मिशन एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बिटना कहती है, क्या ऐसा कोई सीरियल किलर होगा भी जो 10 लोगों को मारने के बाद पकड़ा ना गया हो? मांदो कहता है, मुझे नहीं लगता क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमराज काफी ज्यादा हो गए हैं, तो इतने सारे क्राइम करके बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर बिटना गुस्से में कहती है, अबे वो मदरबोर्ड, भाग यहाँ से, बेकार के आइडियाज देता रहता है। तभी उसको हान का कॉल आता है। वो कहता है, मुझे आपको जियांग जुन के बारे में कुछ बताना है। बिटना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि हान क्या बताना चाहता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक डिसलाइक
लाइक आपका जो मन करे कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।